हेलो ऑडियंस, क्या हाल चाल? उम्मीद होगी बढ़िया और मस्त होंगे। तो आज हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, जो कि आज हम आपको कई सारी जगहों को घुमाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे उसके बारे में। और अभी आप देख पा रहे हैं हमारे जस्ट बैक साइड पे हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है। और अभी सुबह के लगभग बज रहे हैं 4, जो कि हम ट्रेन पकड़ के आए थे सीधा हरिद्वार। और पीछे रेलवे स्टेशन के जस्ट आप सामने साइड पूरा ये देख पा रहे हैं कितना ही क्राउड है, लोग सोए हुए हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और कितनी भीड़ होने वाली है आपको हर की पैड़ी पे, वो भी चीज़ हम आपको दिखाएंगे। और काफ़ी सारे वाटरफॉल्स आपको हम विजिट कराएंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं यहाँ से, रेलवे स्टेशन से, और काफ़ी सारी चीज़ें एट्रेक्टिव लोकेशन आपको दिखाते हैं यहाँ पे। और भैया लोग क्या हाल है? बस भाई मस्त। और क्या हो रहा है आजकल? बस सब सही चल रहा है भाई, घूमने टहलने आए हो भाई? आपका क्या नाम है? क्या नाम है? अर्पित नाम है, यूट्यूब चैनल ब्लॉगर अर्पित सुल्तानपुर। ओके भरो। हम पहुंच चुके हैं हर की पैड़ी की लोकेशन पे, जो कि अंकल जी लेके आए। और अंकल जी कैसे हैं? बढ़िया। तो ऑडियंस अभी आप देख पा रहे हैं ये है हर की पैड़ी का नज़ारा, जो आप पूरा यहाँ पे लोकेशन देख पा रहे हैं। और इधर की साइड देखिए कितना ही ज़्यादा फ्लो आपको देखने को मिल रहा होगा। और लोगों की भीड़ आप सुबह के समय देख पा रहे होंगे, अभी सुबह का 4 बज रहा है, तो लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा अभी इस समय आपको देखने को मिल रहा है। जितना टाइम बढ़ेगा और भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती चलेगी। और आरती का भी समय हो रहा है। ऑडियंस अभी हम बैठे हैं हर की पैड़ी पे, और सामने की साइड आप नज़ारा देख पा रहे हैं, यहाँ की आरती होने का समय हो चुका है, जो कि समय यहाँ का 5:15 के टाइमिंग है सुबह की। और अभी हम आपको कुछ क्लिप इंक्लूड करके दिखाएंगे वीडियो में, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, हर चीज़ आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। ऑडियंस अभी हम हर की पैड़ी के घाट पे आ चुके हैं। बस ये सोचा जा रहा है कि नहाया कहाँ जाए, स्नान तो करना ही है, हमने आपको आरती दिखा दी पहले ही, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया हम नहाने के सोचे थे, बट आरती का जो समय था स्टार्ट हो गया था ना, तो बोले कि अब नहाना बंद कर दीजिए, तो नहाना बंद कर दिया गया था। अब हम लोग चल रहे हैं फिर स्नान करते हैं बढ़िया से भाई, उसके बाद चलते हैं और काफ़ी सारे नज़ारे आपको दिखाएंगे हम वीडियो में। दोस्तों हर की पैड़ी से हम आ चुके हैं शिव घाट की तरफ, और आप देख पा रहे हैं इधर थोड़ा स्थान बहुत ही बढ़िया से खाली है, जो कि भीगा भी नहीं है। तो हम यहाँ पे अपनी पन्नी को फैलाते हैं और स्नान के लिए तैयार हो जाते हैं फटाफट। पहली बार में नहाने में बहुत ठंडा था, पर दोबारा हम डूब रहे हैं। तो भाई अभी हम लोग नहा रहे हैं, ये है अमित भाई, और इस तरफ देख सकते हैं ये भर रहे हैं अर्पित पानी गंगा जल। और ये पूरा नज़ारा है सामने की तरफ, देखिए मनसा देवी टेम्पल दिख रहा है ऊपर पहाड़ी ऊपर, और इस तरफ रोप वे आप दिखाई दे रहे हैं। अमित भाई देखो बड़ा सेक्सी लग रहा है भाई, बड़ा इधर देखिए पूरा नज़ारा है। गंगा में पानी का फ्लो काफी ज्यादा तेज है, और ये पानी का कलर देखिए थोड़ा थोड़ा जो है इसमें पानी कलर नीला है ना, मिट्टी कलर हो गया है। अभी हम लोगों ने स्नान कर लिया है और यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कुछ लोकेशन जहाँ पे हम इन लोग कराएंगे फोटोशूट, उसके बाद निकलेंगे देखेंगे और कोई नई जगह और नई कोई चीज़ जो कि आप लोग वीडियो में देखते ही रहेंगे। जहाँ वीडियो एंड करना होगा हम आपको वीडियो एंड भी कर देंगे, दिखाएंगे भी जो चीज़ होगा वहाँ के बारे में बताएंगे भी, हमने आपको पहले बता दिया है और बताते चलेंगे भी। तो ऑडियंस आप देख पा रहे हैं ब्रह्मकुंड हर घाट की पैड़ी, अस्थि प्रवाह घाट के जस्ट सामने एक साइड आप देखेंगे तो पौराणिक श्री गंगा माता राजा भगीरथ व हरिश्चंद्र मंदिर है। तो आइए हम यहाँ के दर्शन करते हैं और आप सबको भी दर्शन कराते हैं, अगर अनुमति हो मंदिर के अंदर के फोटो या वीडियो को दिखाने के। तो बाहर से ही आपको हर चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, आप देख ही पा रहे हैं, क्योंकि मंदिर की मान्यता होती है आप लोग अंदर में वीडियो ना बनाए भाई लोग, तो आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं और मैं तो अंदर जाके दर्शन करता हूँ। दोस्तों अगर आपने यूपी वाले लोग टहलने घूमने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं हरिद्वार, तो गर्मी के सीज़न में तो भाई बहुत ही बढ़िया होने वाला है समय। और यहाँ पर जनसंख्या की बात की जाए तो भाई काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु लोग आते हैं दर्शन करने के लिए भोले बाबा के। ऊपर से हर चीज़ आप देखेंगे तो भाई क्या नज़ारे हैं यहाँ के, कुछ बयां नहीं किए जा सकते, आप आके खुद देखेंगे हर चीज़ को तो आप जान पाएंगे। और यहाँ पे हमने आपको कई सारी चीज़ें दिखाई, सुबह से जो नज़ारा था आपने स्कूल का नज़ारा देखा था, तो पूरा श्रद्धालु लोग यहाँ पे सोए थे और देख रहे हैं अभी के समय सब लोग हट चुके हैं। और अभी हम चलते हैं आपको दिखाने यहाँ की मार्केट का नज़ारा, कैसा है यहाँ की मार्केट का नज़ारा वो भी सब चीज़ दिखाएंगे, उसके बाद हम वीडियो को एंड भी करने वाले हैं। आपको ले चलेंगे ऋषिकेश का, ऋषिकेश का एक नया ब्लॉग आएगा हमारा, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं यहाँ की मार्केट को दिखाते हैं। ये है यहाँ की मार्केट, अगर आप लोग सुबह का कुछ नाश्ता पानी करना चाहते हैं
तो नहाने धोने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं, नाश्ता पानी ले सकते हैं, मार्केट में आप टहल सकते हैं और कई सारे सामानों को बाय भी कर सकते हैं। रेट की बात करें तो भाई रेट आप लोग यहाँ पे आए के देखेंगे और बार्गेनिंग करेंगे तभी कुछ हो सकता है। उससे पहले तो भाई हर चीज़ का रेट आप तो समझ पा रहे हैं अपनी दुनिया कैसी है भाई। तो ऑडियंस कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं और आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।